सब्सक्राइब कीजिए कैरिंग यू ऑनलाइन हिंदी चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन इसी तरह की हेल्थ और ब्यूटी टिप्स रेगुलर बेसिस पर देखने के लिए। आपने टूथपेस्ट का उपयोग अपने दांतों को चमकाने के लिए तो बहुत किया होगा, लेकिन आज हम आपको बताएंगे टूथपेस्ट का एक ऐसा यूज जिसे करने के बाद आप अपनी गर्दन को, अपने हाथों के कालेपन को, अपने पैरों के कालेपन को या फिर अपने अंडरआर्म्स के कालेपन को पूरी तरह से निकाल सकते हैं और पा सकते हैं बहुत ही सुंदर गोरे और स्मूथ हाथ पैर और गर्दन। ये रेमेडी पूरी तरह से सेफ है और इसके रिजल्ट वाकई में इतने अच्छे हैं कि आप इसको एक ही बार में यूज करने के बाद इसके रिजल्ट देखकर हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चमत्कारी, इस मैजिकल रेमेडी को बनाना। और इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए टूथपेस्ट। यहाँ पर आपको व्हाइट टूथपेस्ट लेना है, कोई भी जेल या कोई भी कलरफुल टूथपेस्ट यूज नहीं करना है। सिंपल जो व्हाइट टूथपेस्ट आता है, आप कोलगेट टूथपेस्ट भी यूज कर सकते हैं जो कि पूरी तरह से व्हाइट होता है, या फिर कोई भी और ब्रांड जिनका की सफेद, पूरी तरह से सफेद व्हाइट टूथपेस्ट आता है वो आप यूज कर सकते हैं। टूथपेस्ट में बहुत अच्छी स्किन ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है और ये पूरी तरह से सेफ होता है, आपकी स्किन को किसी तरह का नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। इसलिए पहला इंग्रेडिएंट हुआ टूथपेस्ट। दूसरा इंग्रेडिएंट इस रेमेडी में मिलाना है आपको मुल्तानी मिट्टी, और मुल्तानी मिट्टी भी स्किन को टोन करने, रंग निखारने, कालापन हटाने, त्वचा का खुरदरापन खत्म करने में बहुत अच्छी मानी जाती है, बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाती है। आप जब इसको रोजाना नियमित रूप से अपने चेहरे पर या अपनी गर्दन पर या आपकी त्वचा का कोई भी भाग जो काला है उस पर लगाते हैं, तो मुल्तानी मिट्टी जितनी भी मिट्टी होती है उनमें सबसे अच्छी मानी जाती है उस जगह का कालापन हटाने के लिए। तो आप इस मिट्टी को जरूर यूज करें। साथ में इस पैक को बनाने के लिए यहाँ पर हम यूज करेंगे रोज वाटर। अगर आपके पास रोज वाटर या गुलाब जल नहीं है तो आप दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि दही भी त्वचा का कालापन हटाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कालेपन को हटाने और उस जगह को गोरा करने, साफ करने में काम करता है। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको चाहिए लगभग एक चम्मच टूथपेस्ट, और फिर इसमें आपको मिलानी है एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी। इन दोनों चीजों को मिलाने के बाद रोज वाटर आपको इसमें इतना डालना है जिससे कि आपको एक अच्छा पेस्ट कंसिस्टेंसी मिल जाए। एक और बहुत इफेक्टिव हर्ब आप इसमें मिला सकते हैं जो कि कालापन खत्म करने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है और जो फिलहाल में मैं इस रेमेडी में मिला रही हूँ, और वो है लिकोरिस या मुलेठी या यष्टी मधु का पाउडर। यष्टी मधु या मुलेठी डार्कनेस को हटाने, पिगमेंटेशन को हटाने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो वो लोग जिनमें हार्मोनल इम्बेलेंस या मोटापे की वजह से कालापन आया है, उन लोगों के लिए इस पैक में मेडिसिनल गुड़ ऐड करने के लिए वो मुलेठी पाउडर मिला सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मुलेठी पाउडर नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं और सिर्फ टूथपेस्ट और मुल्तानी मिट्टी के साथ ये पैक बना सकते हैं। सारी चीजों को आपस में मिला दें और पेस्ट बना लें, और अब ये आपकी रेमेडी बनकर बिल्कुल तैयार है अपने काले भागों पर लगाने के लिए। इसे अपनी गर्दन पर लगाएं, अपने अंडर आर्म एरिया में लगाएं, कोहनियों में लगाएं, घुटनों में लगाएं, जहां भी कालापन है आप इसको लगा सकते हैं, और कम से कम 15 से 20 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट तक अपने स्किन पर छोड़ सकते हैं। इसके बाद हल्के हाथों से मसाज करते हुए अपने स्किन से इस पैक को छुड़ा लें और ठंडे पानी से धो लें। आप देखेंगे कि पहली ही बार में आपकी त्वचा का रंग, कालापन काफी हद तक कम हो गया है, त्वचा का रंग निखर गया है, और जब आप इसको रेगुलरली यूज करते हैं तो कालेपन को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। इतने ज्यादा चमत्कारी रिजल्ट इस रेमेडी के मिलते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा कालापन आपके हाथों पैरों में है तो हफ्ते में 3 से 4 बार आप इस रेमेडी को यूज कर सकते हैं, और अगर ज्यादा कालापन नहीं है तो हफ्ते में 1 बार यूज करना भी काफी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये रेमेडी कैसी लगी, ये मुझे जरूर बताइए। मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इसे देख पाए और इससे फायदा ले पाए।
और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही मैं कोई अच्छी रेमेडी आप सभी के साथ शेयर करूं, आप उसे देख पाए और उससे फायदा ले पाए। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में इसी तरह की किसी अच्छी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। Thank you.